ट्रेंडिंग यूट्यूब चैनल आई एम गोना शेयर विथ यू फोर चैनल। मैं आपके साथ फोर ऐसे चैनल शेयर करने वाला हूं। इस कैटेगरीज पे आप अगर आप चैनल को क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो अर्निंग जो यूट्यूब से होती है वो और अदर कंपटीटर के हिसाब से इस पे अर्निंग ज़्यादा होगी अगर आप इस कैटेगरी पे अपने चैनल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि वो कौन कौन सी कैटेगरी है। एफिलिएट मार्केटिंग, फर्स्ट एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज़ है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आप वीडियोस को क्रिएट करते हैं एंड तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि आपको व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि वहां पे आप Amazon, Flipkart बहुत सारी कंपनी की आप एफिलिएट कर सकते हैं। उससे दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आप उसको रेफरल लिंक के थ्रू, अगर आपके थ्रू वो आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको कमीशन के तौर पे आपको वहाँ पे अर्निंग होगी। ठीक है, ये तो सेकेंड थिंग है। फर्स्ट थिंग इस पर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम ज़्यादा वर्क करती है इस पर क्योंकि आजकल लोग अर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड अगर आप चैनल को क्रिएट करते हैं देन ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड के अर्निंग ऐप रिव्यू, यानी अगर आप कोई भी अर्निंग ऐप आता है मार्केट में उसकी अगर आप रिव्यू करते हो, उसके बारे में बताते हैं कि ये अर्निंग ऐप सच है या झूठ है, इस पर कितने इनकम होते हैं, वाकई इस पर इनकम होते कि नहीं होते, इस पे अगर आप रिव्यू करते हैं तो आप तो भी आपके लोग तो भी ऑडियंस आपके पास आएंगे एंड अर्निंग, क्योंकि आजकल सबको नीड है अर्निंग की, तो वो अर्न करना चाहेंगे। और अगर आप सही रिव्यू देंगे तो ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे। एंड दूसरा प्लस पॉइंट ये कि अगर आप किसी ऐप की अच्छी रिव्यू देंगे तो वो जो ऐप प्रमोटर है, अगर आप उस ऐप को प्रमोट कर रहे हो देन आपको साइट से इनकम भी होगा, यानी आप प्रमोट के थ्रू आप इनकम कर सकते हो। ये दो तरीके से आप अर्निंग ऐप रिव्यू की आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपके इसमें व्यूज़ भी आएंगे एंड आपको साइट इनकम, यानी कोई भी अगर अर्निंग वाले ऐप, अगर अर्निंग जो ऑनर होगा जो इस ऐप को लॉन्च किया है वो भी आपको पे करेंगे अच्छे अमाउंट पे। ठीक है, ये सेकेंड थर्ड चैनल टेक चैनल। आपको पता है कि टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अगर आप टेक के रिलेटेड अपने वीडियोस को क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके चैनल पे बहुत ही ज़्यादा भर भर के व्यूज़ आएंगे क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल, हर चीज़ टेक्निकल हो चुका है। तो अगर आप टेक के रिलेटेड वीडियो को क्रिएट करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस रहेंगे और आपके चैनल को ग्रो करने का ज़्यादा से ज़्यादा उस पे मेथड रहेगा एंड उसको आप ग्रो कर सकते हैं जल्दी। ठीक, लास्ट वन जो हमारा फेवरेट है, स्मार्टफोन रिव्यू। अगर आपका चैनल अच्छा है, सबको आपका चैनल यानी व्यूज़ अच्छे आते हैं एंड सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, तो अगर कोई न्यू फ़ोन लॉन्च होता है एक तो आपको सबसे पहले वो फ़ोन को टच करने का, देखने का, चलाने का मौका मिलेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप उस फ़ोन की रिव्यू करते हैं तो वो फ़ोन वाले आपको जो प्रमोट करवाते हैं तो आपको इनकम मिलेगी ही मिलेगी एंड आपको आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे। एंड व्यूज़ से अगर आपका 1000 व्यूज़ से आपको $5 बनते हैं, इस तरीके से अगर आप स्मार्टफोन की रिव्यू करते हैं तो आप पे ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे एंड दूसरा चांसेस ये रहेगा कि न्यू फ़ोन को यूज़ करने का मौका भी मिलेगा। बट फर्स्ट आपको थिंक क्या करनी है, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी उस चीज़ को लेकर देन तभी वो स्मार्टफोन वाले आपको रिव्यू के लिए देंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ फोर कैटेगरीज मैंने आपको शेयर किया। ये फोर कैटेगरी में जो भी आपका फेवरेट हो उसे कमेंट ज़रूर करें, जो आपका जो आपको बेस्ट लगे ये फोर कैटेगरी में से उसी एक कैटेगरीज को आप चूज़ कीजिए एंड मुझे टाइप कीजिए कमेंट में कि ये कैटेगरी मुझे अच्छा लगा, देन आप उसी पे अपने चैनल को क्रिएट करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके रख